हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कभी कभी आप लोग बता दिया करिए कि आप लोग कैसे हैं, हमें भी तो मालूम चले कि हाँ आप लोग ठीक हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक नई वीडियो में। आज हम आए हैं मनोज भाई के साथ। तो यहाँ लगा हुआ है मेला और कल लास्ट डेट है 22 दिसंबर को। तो आपके पास कल तक का समय है, आप लोग जा करके विजिट कर सकते हैं। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं, ये गेट है, यहाँ से एंटर हम लोग करेंगे और अंदर चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें। तो यहाँ लगे हुए हैं वूलन आइटम्स, शॉल है, साड़ियाँ हैं, सारी चीज़ें जो ये रखे हैं ये सारा अभी वूलन में है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे हाथ से बने हुए बहुत सारे आइटम्स। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो हाथ से बनी हुई हैं, लग रही हैं कि हाँ हाथ से बनी हुई हैं, और कुछ जो है कंप्यूटराइज भी हैं, प्रिंटेड हैं। कुछ डिज़ाइंस हैं कप के जो बहुत ही बेहतरीन हैं, बहुत ही अच्छे लगे देखने में, तो मन तो किया कि खरीद ही लें। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर कालीन लगे हुए हैं और एक से एक कलरफुल। हालांकि कलर कालीन जो है वो तो थोड़ा बड़े घरों में लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इस पार्क में हम लोग पहले भी आ चुके हैं, लेकिन उस समय आए थे तो बहुत अंधेरा था, बहुत खाली खाली था। और जैसे ही मुझे मालूम चला कि यहाँ पर मेला लगा हुआ है, तो मुझे लगा कि चलो आप लोग को दिखाना चाहिए। और यहाँ पर खास बात ये है कि यहाँ पे हाथ से बने हुए बहुत सारे आइटम्स आपको मिल जाएंगे, जैसे आपका जूती हो गया, लेडीज़ आइटम कुछ हो गया, पर्स हो गया और कप प्लेट हो गया, ये सब सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और बाकी ठंडी आ गई है तो ठंडी से रिलेटेड विंटर, आपकी विंटर कपड़े वगैरह भी यहाँ पर मिल जाएंगे, कुछ आपको एंटिक पीस भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या क्या है। तो ये जगह फैमिली वालों के लिए है, बहुत ही सावधानी से यहाँ पर जाना है बच्चों को लेके, वरना बच्चे जो है आपकी जेबें ढीली करवा देंगे। इतनी अच्छी अच्छी यहाँ पे खिलौने हैं कि बड़ों का मन ललच जाता है, बचपना याद आ जाता है। तो बच्चे तो बिना जीत किए, बिना रोए, बिना चिल्लाए, मार खाए तो यहाँ से वापस आने वाले नहीं हैं। तो गाइस, मैंने लिया है एक तनस के लिए छोटा सा खिलौना, अब चलिए इसको चला के देखते हैं कि कैसा चल रहा है। ₹350 का है कम, ये फाइनल ₹300 का पड़ेगा, 299 का नहीं, मतलब फिक्स प्राइस है। भैया ये नेटवर्क कितने का है? ये नेटवर्क कितने का है? ₹60 का। इसमें ब्लैक कलर मिल जाएगा 50 या 40? ये देखो करके फैला लेना, धीरे धीरे देखो क्या चाहिए। 40 का ये रिंग किसके लिए ले रहे हो भाई? वाइफ के लिए। वाइफ के लिए ले रहे हो, ले ले लो, आए हो तो मेरा कुछ दे ही दो। ब्लैक कलर की चाहिए, देखते हैं ब्लैक कलर की रिंग मिल जाए। हर माल ₹10 का भी है भाई। ये सब कपड़े जो ₹100 में एक पीस लगा हुआ है ना, तो ये सब मुझे लगता है कि ये सब पुराना माल है, वन टाइम यूज़ किया हुआ है। और ये जो स्वेटर भी है, ₹100 में कहाँ स्वेटर मिलता है, तो ये सेकेंड हैंड माल है, तो जो थोड़े से गरीब हैं वो इसका यूज़ कर सकते हैं, ठंडी आ गई तो बचना भी ज़रूरी है। और ये जेंट्स आइटम है, पैंट शर्ट सदरी कोट, ये सब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर। और ये लेडीज आइटम मिल रहा है, सूट है, सब सारी चीजें वूलन मिल रही है क्योंकि ठंडे का समय है इसलिए। और ये छोटे छोटे हैं चीज़ें हैं, ये 10-20 रुपए की मिल रही हैं ये जी। तो जूते लो पैसे दो, बहुत अच्छे अच्छे जूते यहाँ पे, ये भी हैंडमेड हैं, बहुत सारे आपको मिल जाएगा। तो आपको जो पसंद है लीजिए और एंजॉय कीजिए।
रखिएगा। इस काउंटर पे आपको मिलेंगी एक से एक जड़ी बूटी जिससे आपके अनेक रोगों का निवारण होगा। और ये ऐसे ऐसे जड़ी बूटियां हैं दोस्तों कि आज तक मैंने कभी देखी नहीं है और आपने भी नहीं देखी होगी। भाई दाम जो है ना वो एक रुपया कम नहीं होगा, लेना लीजिए नहीं तो जाइए। ऐसा मैं नहीं, ये लोग कह रहे हैं। भाई ये भुट्टा तो मुझे अच्छा लगा और इसे बॉयल कर दे रहा है पूरा पूरा का पूरा खड़ा भुट्टा, उसमें नमक लगा रहा है और नींबू लगा रहा है और आपको पीस करके दे दे रहा है। 50 रुपीज़ का है भुट्टा और खाने में बिल्कुल स्वीट कॉर्न की तरह लग रहा है, हालांकि उसमें चटनी उटनी भी होती है स्वीट कॉर्न में, बट ये सिर्फ नमक वगैरह लपेट दिया है। बट अच्छा है, ज़्यादा स्पाइसी भी अच्छा नहीं होता है खाना। तो इसको खाने के बाद तो बिल्कुल गर्मी आ गई, बिल्कुल ही गर्म गर्म है ये। और आप लोग भी खाइएगा जाइएगा तो, इससे अच्छा तो मुझे वहाँ पर कुछ लगा नहीं खाने वाला। ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो फिर आपके पास चाट है, गोलगप्पे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों कितना फ्रेश लग रहा है ये, बिल्कुल एकदम चमकता हुआ, एकदम नमक लगा हुआ है, बॉयल हो चुका है। अब चलिए इसे खाते हैं। तो गाइस स्वीट कॉर्न तो आपने खाया होगा, बट यहाँ कुछ नए तरीके से आपको अमेरिकन स्टाइल में भुट्टा देखने को मिलेगा। तो ये लोग पूरे भुट्टे को ही बॉयल कर दे रहे हैं और उसमें नमक लगा करके, मिर्च मसाला लगा करके आपको परोस दे रहे हैं। बहुत अच्छा है, हेल्दी खाइए, फिट रहिए। और यहाँ पे मिल रही है चूरन, गोली, पाचक और रंग बिरंगी टाफियाँ, जो देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए ये पान मसाला है, केसर लग रहा है, ये आपका लाल गुलाबी। यहाँ जितने खरीदने वाले नहीं है ना, उससे ज़्यादा यहाँ पर देखने वाले लोग हैं खाली। तो ये है टाउन हॉल पार्क, काफ़ी भीड़ है, लाइटिंग वगैरह भी अच्छी है, बच्चे खेल रहे हैं, इसमें झूला वूला भी है, आप झूला भी झूल सकते हैं। हम लोग तो बड़े हो गए हैं तो क्या झूला झूले हैं, बच्चों के लिए ही है, तो बच्चों के लिए फुल इन्जॉयमेंट है। हम लोग खरीदारी करेंगे, बच्चे आराम झूला झूलेंगे। और यहाँ पे मिल रहे हैं पापड़ चावल के, और बहुत तरह तरह के पापड़ हैं, जैसा आपका टेस्ट हो, जैसा आपको अच्छा लगता हो वैसा आप खरीद सकते हैं। हो सकता है थोड़ा कॉस्टली हो बट है अच्छा, और साफ़ सफाई भी है यहाँ पे। और यहाँ मिल रहे हैं लड्डू गोपाल के छोटे छोटे सुंदर सुंदर कपड़े, बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी, वूलन कपड़े भी हैं और माला है और बैठने के लिए सिंहासन टाइप का है, खटिया टाइप का है, तो बहुत अच्छा है, यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। कैफ़े हाउस भी है, आराम से कॉफ़ी पीजिए, स्नैक्स लीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। और यहाँ मिल रहे हैं किचन के आइटम्स, मग है और बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप देख सकते हैं क्लियर दिख रहा है आपको, इसमें जूम करके आपको दिखा देते हैं, किचन के सारे सामान यहाँ पे हैं मौजूद। तो गाइस आपने देखा बहुत सारा आइटम था, एक से एक फैंसी आइटम। आप भी कभी आइए, देखिए क्या क्या है, हो सकता है आपको भी कुछ पसंद आ जाए। मैंने तो तनस के लिए ले लिया है छोटा सा खिलौना, अब आपको अगर कुछ पसंद आता है तो आप ले सकते हैं। चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें हैं, देखने लायक चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अब आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही था, कल मिलते हैं कल किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पहले पप्पी दो तब देंगे। मीठा दे रहे हो कि तीता दे रहे हो? मीठा दे रहे हो। क्या है ये? बाइक बाइक है तते। बाइक है ये तते।